उस दिन तुम्हारे साथ थे। सच बताओ, वो किस लिए परेशान थे? मेरी वजह से ना, तुम्हारी वजह से क्यों? बाप लोग बेटियों के बारे में 10 तरह की बातें सोचते हैं। उनमें से कोई एक उन्हें परेशान कर देती। शायद चलो करीना खाओ, ये भी 7 पूरी हो गई है। खाना खा लो, अब ज्यादा खाया करो। कौन? मैं हूं अमार। जी अमार, ऐसे ही बस पूछने आया था कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। नहीं, तुम पहले 2-4 दिन से इतना कुछ कर चुके हो, थैंक्स। अरे यार, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। वो आंटी और जाविया तो ठीक है ना? मेरा मतलब है, हम तो बहुत बड़ा है लेकिन अब सब्र तो करना पड़ेगा। अंदर आओगे? नहीं, अब शायद 10 बज गए हैं। आंखा तुम लोगों को डिस्टर्ब कर, चलता हूं। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो पुरानी बातों को लेके हेजिटेट ना करना। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपना ख्याल रखना। तुमने चलता हूं।
कोई काम याद आ गया होगा। जाओ देखो। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर। अंदर ले आओ। बिलाल अब्दुल्ला है। लेकिन वो तो अबा के बारे में सुन के वापस आ गए। एयरपोर्ट से सीधा यहीं पहुंचे हैं। जाइए बिठाइए उनको, अफसोस करने आए। तुम बिठाओ ना, मैं आती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। आप ही मिलेंगी, आप ही बात करेंगे, आप ही सी ऑफ करने जाएंगे। हम शाह को मेरे पास भेज दीजिए। मैं ये उनकी मिसेज है। वालेकुम अस्सलाम। मैं फिलहाल कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। आइए प्लीज। mm.